हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग लेसन, जिसमें आज हम ये दो रंग का डिज़ाइन लेकर आए हैं। दो रंग का ये डिज़ाइन बहुत इजी है बनाने में, तो चलिए आज इसे बनाने हम सीख लेते हैं कि इसे हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमने इवन नंबर में फंदे लिए हैं, तो आप इवन नंबर में कितने भी फंदे अपने वुलन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें ले सकते हैं। देखिए, इसमें जो पहली सिलाई है वो ये डिज़ाइन जो है रॉन्ग साइड से शुरू होगा। ये देखिए, ये डिज़ाइन की राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। ये डिज़ाइन जब हम स्टार्ट करेंगे तो रॉन्ग साइड से करेंगे, और रॉन्ग साइड से ये देखिए आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने सीधा सीधा बुना हुआ है। तो पहली सिलाई को हमने रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बुनना है। तो जो अब हम बनाना बताएंगे वो अब इसकी दूसरी सिलाई होगी। जब तक हम, क्योंकि हम इस डिज़ाइन को बनाते हुए आगे आ गए हैं, इसलिए हम उस जो ये हमारी जो फर्स्ट रो है इसे हम बनाकर नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार डलेगी। जो रॉन्ग साइड वाली सिलाई है सीधी सीधी, ये सिर्फ पहली बार स्टार्टिंग में डलेगी, उसके बाद ये नहीं डलेगी। तो क्योंकि हमने इतना डिज़ाइन बना लिया है, हम इसे नहीं बना सकते। तो आप जब स्टार्ट करें तो रॉन्ग साइड से एक सिलाई, जिस भी कलर का यूज़ कर रहे हैं, जिसका आपने बेस कलर लिया है, बॉर्डर बनाया है, रॉन्ग साइड से सीधा बुनते हुए उस सिलाई को कम्प्लीट कर लेना है। तो चलिए फिर हम इसमें दूसरी सिलाई आपको बताते हैं कि कैसे बनेगी। यहाँ पर देखिए, दूसरी सिलाई जो है वो भी हमें बेस कलर से ही बनानी है। जैसा कि हमने बेस कलर इसमें वाइट कलर लिया है, उसी कलर से बनाएंगे और पहले दो फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए, दो फंदों को सीधा बुनने के बाद अब जो हमें बुनना है, बुनना तो सीधा ही है, लेकिन देखिए नीचे से बुनना है। फंदे के नीचे से ये छेद दिख रहा है, यहाँ से हम इसको बुनेंगे तीसरे फंदे को। ये देखिए, इस तरह से हमने बुना और अब फंदे को हम उतार देंगे। अगले फंदे को हम नॉर्मली बुनेंगे। ये देखिए, अब उससे अगले फंदे को फिर से नीचे से बुनेंगे। देखिए इस तरह से, फिर अगला नॉर्मली, फिर अगला नीचे से। अब इसी तरह से इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। एक फंदा हम ऊपर से बुनेंगे, एक फंदा हम नीचे से बुनेंगे। ये देखिए, नीचे से बुना और ये हमने ऊपर, जैसा हम सीधा नॉर्मली बुनते हैं, इस तरह से पूरी सिलाई ये कंप्लीट कर लेंगे हम। ये दूसरी सिलाई है डिज़ाइन की। ये देखिए, बुनते बुनते हम लास्ट में आ गए हैं। ये फंदा हमने नीचे से बुना और अगला फंदा हम ऊपर से बुनेंगे। देखिए इस तरह से ये दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में भी हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए, पहला फंदा हमने सीधा बुना। यहाँ पर देखिए, हमने पहला फंदा जो कि पीछे से हमने ऊपर से बुना था, इसको हमने सीधा बुना। और अब ये जो हमने फंदा नीचे से बुना था, देखिए इसे किस तरह से बुनेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा ये जो ढीला फंदा है, ये पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग से बुनेंगे तो ये आपका वाइट कलर का रहेगा। ये एक फंदा जो है, ये ढीला सा फंदा आ जाएगा। इसको हम सिलाई में उठा लेंगे पहले। ये देखिए, इसको उठा लिया। उसके बाद अपने सिलाई वाले फंदे को उठाएंगे और दोनों को मिलाकर एक साथ सीधा बुन लेंगे। ये फंदा जो तीसरा फंदा है, ये हमने ऊपर से बुना था पिछली बार, नॉर्मली बुना था, इसको हम ऊपर से ही बुनेंगे। और ये देखिए, जिसमें ढीला फंदा, देखिए दो फंदे आपको दिखाई दे रहे हैं पिंक कलर के, एक ये है और एक ये नीचे वाला है। जिस पर दो फंदे दिखाई देंगे उसमें से हम ऊपर वाले फंदे को सिलाई पर उठा लेंगे और उसके बाद सिलाई वाले फंदे को लेंगे और इन दोनों को इकट्ठा सीधा बुन देंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर नीचे से फंदा उठाते हुए, अब ये देखिए इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन हम बनाते जाएंगे, पूरी सिलाई इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए, एक ऊपर से बुना और एक में ये फंदा उठा के तब हमने सिलाई वाला फंदा लिया। देखिए इस तरह से, ये दोनों सिलाइयों में हम सीधा बुन रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना था, एक बार हमने नीचे से बुना था और एक बार हम नीचे से फंदा उठाते हुए बुन रहे हैं। देखिए, चलिए सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। देखिए, पहली तीन सिलाइयां कंप्लीट करने के बाद अब हम चौथी सिलाई में आ गए हैं, और चौथी सिलाई को हम पिंक कलर से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने सेकेंड कलर के रूप में लिया है। आप जो कलर लेंगे उससे स्टार्ट करेंगे। और एक फंदा हमने यहाँ पर सीधा बुना। पिछली बार जब हमने वाइट से बुनाई की थी तब हमने दो फंदे सीधे बुने थे, इस बार हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और अगले दूसरे फंदे को बुनेंगे नीचे से। ये देखिए, नीचे से हमने सिलाई को एंटर करके एक फंदा बुना। अब हम
तीसरा फंदा ऊपर से बुनेंगे, चौथा फंदा फिर नीचे से बुनेंगे। अब फिर से हमारा वही प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, एक फंदा ऊपर से और एक फंदा नीचे से। ये देखिए, ये ऊपर से बुना और ये नीचे से, फिर ये फंदा ऊपर से, ये नीचे से। इसी तरह से ये पूरी सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, डिज़ाइन की चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। और अब हम पांचवी सिलाई में फिर से उल्टी साइड से सीधा बुनेंगे। ये देखिए, पहला फंदा हमने सीधा बुना। यहाँ पर देखिए, जब हमने पहला फंदा सीधा बुना तो मैंने आपको बताया था एक ढीला सा फंदा दिखाई देगा, जबकि यहाँ पर कोई ढीला फंदा दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, यहाँ पर कोई फंदा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक सिंगल ये देखिए ये वाला फंदा दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर कोई फंदा नहीं है, सिर्फ पिंक कलर का ही फंदा है। तो इसका मतलब हमें एक और फंदा यहाँ पर सीधा बुनना है, सिंपल। अब देखिए, जैसे ही हमने दो फंदे सीधे बुने, अब ये हमारा ढीला फंदा हमें दिखाई दिया। ये देखिए, ये रहा, अब डबल फंदा दिखाई दिया। तो अब हम इसे उठाएंगे और अगली जो सिलाई वाला फंदा है इसे भी लेंगे और दोनों को बुन देंगे। फिर देखिए, फिर से नॉर्मल फंदा आ गया तो इसे हम नॉर्मल बुनेंगे। तो इस तरह से जब भी आप रॉन्ग साइड से बुनेंगे तो आपको ये ढीला फंदा अपने आप दिखाई देगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फंदा नीचे से उठाना है और कौन सा को हमें नॉर्मल बुनना है। बहुत इजी डिज़ाइन है, सीधी साइड से भी सीधा बुनना है और उल्टी साइड से भी सीधा बुनना है। देखिए, अपने आप ही पता लग जाता है कि कौन सी फंदे के लिए हमें नीचे से फंदा उठाना है, और जिस फंदे को उठाना है वो भी बहुत इजीली दिखाई देता है, एकदम ढीला सा। देखिए, बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है। चलिए इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, पांच सिलाइयां कंप्लीट होने के बाद फिर से हम राइट साइड में आ गए हैं और अब हम फिर से वाइट कलर से बुनाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि हमें ये पांचों सिलाइयां रिपीट नहीं करनी है, सिर्फ दो से लेके दो, तीन, चार और पाँच, इन चार सिलाइयों को रिपीट करना है। जो सिलाई नंबर वन है, पहली सिलाई, वो सिर्फ स्टार्टिंग में यहाँ पर डलेगी, ऊपर सिर्फ चार सिलाइयाँ डलेंगी, सिलाई नंबर दो, तीन, चार और पाँच। तो जब हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ से दूसरी सिलाई स्टार्ट करेंगे जो मैंने आपको बुनने में सिखाई है। आई होप ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने वुलन प्रोजेक्ट्स में ज़रूर यूज़ करेंगे। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।